Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about fossils of extinct primates of tertiary period. So let's start. Before going into much detail, first we know what are the different epochs during which these fossils were evolved, and what are the names of those fossils which were evolved during this tertiary period. Here you can see there are five epochs in tertiary period: Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and Pliocene. And यही जो tertiary period है जिसमें ये पांच epochs है, इसी में primate का origin और evolution हुआ. Primate को माना जाता है कि सबसे पहले वो evolved हुए during the Paleocene period, means proto primates, not true primates. Proto-primates were evolved during Paleocene, and then Eocene period में true primates आते हैं, and then Oligocene में जो old world monkeys हैं, उनके ancestors हमको दिखाई देते हैं. यहाँ पर Eocene में हमको lemurs, lorises and tarsiers के ancestors दिखाई देते हैं. Oligocene में tarsier का origin हो जाता है, means evolve कर जाता है tarsier. और फिर वहां पर हमको न्यू वर्ल्ड मंकीज के भी कुछ एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के दिखाई देते हैं. देन मायोसीन में आते आते एप्स का जो है ओरिजिन हो चुका रहता है, एप्स इवॉल्व कर चुका रहता है, और मायोसीन में एप्स के एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं, मीन्स जो आज लिविंग स्पीशीज है एप्स की, उनके एंसेस्टर्स मायोसीन जो इपोक थी वहां पर इवॉल्व किए थे. देन प्लायोसीन पीरियड आता है, यहाँ पर भी कुछ एप्स की जो हायर एप्स है उनके एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं, और ह्यूमन बीइंग के जो अर्ली होमिनिड स्पेसिमेंस थे, जो एंसेस्टर हैं प्रेजेंट ह्यूमन स्पीशीज के, वो वहाँ पर प्लायोसीन में जो है उनकी ओरिजिन हो चुकी थी. तो इस तरह आप देखते हैं कि इन डिफरेंट जो इपोक्स हैं ऑफ टर्शियरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक इरा ऑफ फेनोजोइक इयोन, इसके दौरान किन किन प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ और कैसे उनकी ओरिजिन हुई. अगर हम इसको बांटते हैं डिफरेंट इपोक्स के आधार पर, कौन कौन से स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, जो प्रेजेंट है लिविंग एप्स एंड मंकीज हैं उनके, तो यहाँ पर पता चलता है कि जो पेलियोसीन पीरियड है उसमें पहले प्राइमेट्स जो जिनको कि हम प्रोटो प्राइमेट्स कहते हैं, वो यहाँ पर इवॉल्व हुए. एंड द ओल्डेस्ट प्राइमेट और द फर्स्ट primate which was evolved during Paleocene is Purgatorius. Purgatorius कह सकते हैं या Purgatorius कह सकते हैं. That it was the first primate or the oldest primate which was evolved during this Paleocene epoch. And then comes the Eocene epoch. Eocene में हमको कुछ true varieties primates की दिखाई देती हैं, जैसे Adapes, Notactus, Smilodactus, Necrolemur and Tetonius. इसमें कि एडापिस, नोटाक्टस, ये सभी जो है लोरिस एंड लेमुर आगे जाके इनसे इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द मायोसीन इपोक. एंड नेक्रोलिमोस एंड टेटोनियस, यहाँ पर टार्जियर की वैरायटी ओलिगोसीन में इनसे इवॉल्व होती है. तो ये कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज और टार्जियस के जो है एंसेस्टर्स यहाँ पर हमको ईओसीन इपोक में दिखाई देते हैं. तो कह सकते हैं कि जो प्रोजीमियंस है और न्यू वर्ल्ड मंकीज से, उनके एंसेस्टर हमको ईओसीन इपोक में दिखाई देते हैं. देन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के जो एंसेस्टर्स हैं वो ओलिगोसीन इपोक में दिखाई देते हैं, जिसके जिनके नाम है इजिप्टोपिथिकस, प्रोप्लायोपिथिकस एंड पैरापिथिकस. तो अभी जो प्रेजेंट में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की जो लिविंग स्पीशीज हैं, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो ओलिगोसीन इपोक में इवॉल्व किए थे, और इनके नाम है इजिप्टोपिथिकस, पैरापिथिकस एंड प्रोप्लायोपिथिकस. Then we come to Miocene epoch, and Miocene में हमको जो lesser and greater apes दोनों के ही fossils दिखाई देते हैं, जैसे कि जो ancestor fossils हैं इसमें आते हैं Proconsul, Diapithecus, Sivapithecus, Ramapithecus, Caenapithecus and Pliopithecus. तो ये सारे कुछ जो extinct fossils हैं अभी present day living apes के, वो Miocene epoch में evolve करते हैं. Then comes to the Pliocene epoch. प्लायोसीन इपोक जो है वो लास्ट इपोक है टर्शियरी पीरियड का, और इसमें हमको जिगंटोपिथिकस, ओरियोपिथिकस मिलते हैं एप्स, जो कि प्रेजेंट डे एप्स हैं, उनके ये फॉसिल मतलब एक्सटिंक्ट फॉसिल्स हैं. तो इस तरह हम जो एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज थी प्रेजेंट डे लिविंग एप्स की और मंकीज की,
वो ये सारा कुछ हम टर्शियरी पीरियड में देखते हैं कि इनकी ओरिजिन और इवोल्यूशन ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड। तो ये एक जो पांच इपॉक्स हैं इसको दो फर्दर ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिसमें पेलियोजीन आता है जिसमें पेलियोसिन और ईओसिन को रखते हैं, और नियोजीन आता है जिसमें कि पेलियोजीन में पेलियोसिन ईओसिन और ओलिगोसिन रखते हैं, एंड मायोसिन एंड प्लायोसिन आर पुट अंडर नियोजीन। ठीक है, तो नियोजीन में प्लायोसिन एंड मायोसिन आते हैं और बाकी जो अर्ली तीन थे इपॉक्स वो पेलियोजीन में आते हैं ऑफ टर्शियरी पीरियड। और नेक्स्ट जो क्वार्टरनरी पीरियड है उसमें हमको ह्यूमन का इवोल्यूशन दिखाई देता है ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन पीरियड, प्लिस्टोसीन इपॉक। ठीक है, तो ये इस तरह हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इपॉक्स में टर्शियरी पीरियड के समय जो भी लिविंग स्पीशीज हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, मतलब प्रोजीमियन से लेकर और ह्यूमन तक जितनी भी जो है लिविंग स्पीशीज या प्रेजेंट डे एक्सटेंट प्राइमेट्स हैं उनकी जो एक्सटिंक्ट वेराइटीज हैं वो कैसे कैसे इवॉल्व की, वो सारा कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीनोजोइक इरा के जो टर्शियरी पीरियड है उसमें पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन आते हैं, फिर यहाँ से क्वार्टरनरी शुरू हो जाता है प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। ठीक है, अब यहाँ पर पेलियोसिन जो है 60 to 53 MYA मीन्स मिलियन ईयर्स है, वो ये इसका जो टाइम था 60 और 65 मिलियन ईयर्स है वो पेलियोसिन इपॉक था, और उस दौरान प्राइमेट्स पहली बार अपीयर करते हैं या कह सकते हैं प्रोटो प्राइमेट्स से। फिर ए जो प्रोजीमियंस आती है ईओसीन में, यहाँ पर सारे जो एंसेस्टर्स हैं प्रोजीमियंस के जो प्रेजेंट डे प्रोजीमियंस के वो यहाँ पर इवॉल्व करते हैं। देन न्यू वर्ल्ड मंकीज एंसेस्टर्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ये हमको दिखाई देते हैं ओलिगोसीन पीरियड में। देन मायोसीन इपॉक आता है जिसमें एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं इवन मैन के, प्लायोसीन में भी एंसेस्टर्स ऑफ मैन, एंड देन प्लिस्टोसीन अर्ली फॉर्म ऑफ मैन, एंड देन मॉडर्न मैन इपॉक ड्यूरिंग द होलोसीन इपॉक जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज कब कब इवॉल्व की। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये जो फाइव इपॉक्स मीन्स यहाँ पर फोर दिखाई दे रहा है, फाइव इपॉक्स होते हैं टर्शियरी पीरियड में, पेलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन इपॉक, और इसमें कैसे कैसे डिफरेंट प्रोजीमियन से लेकर हमको जो मंकीज एंड एप्स और ह्यूमन की जो अर्ली वेराइटीज थी वो जो कैसे इवॉल्व की ड्यूरिंग द डिफरेंट इपॉक्स ऑफ द टर्शियरी पीरियड। पेलियोसीन में सबसे पहले प्राइमेट्स का इवोल्यूशन होता है, ओरिजिन होती है, प्रोटो प्राइमेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, एंड द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट प्राइमेट वॉज पुर्गेटोरियस विच वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पेलियोसीन अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो, एंड दिस पुर्गेटोरियस बिलोंग्स टू प्लेसियोडिपिडी जो ये ग्रुप है इससे बिलोंग करता था, एंड यही प्लेसियोडिपिडी देन एडापिटी में इवॉल्व होता है, एंड देन एडिपस, नोथार्क्टस, स्मारोडेक्टस जो कि एंशिएंट या एंसेस्टर स्पीशीज हैं लेमुर्स एंड लॉरिसस की, जो प्रेजेंट डे लेमुर्स एंड लॉरिसस हैं जो कि मायोसीन एपोक में इवॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कैसे प्रोजीमियंस का एवोल्यूशन हुआ। देन जो अनदर ग्रुप कार्पोसिडी है इससे जो है ओमोमाइडी ग्रुप इवॉल्व करता है ईओसीन के समय, जिसमें कि नेक्रोलिमूर, सोनोसियस एंड टेटोनियस ये दो तीन वेराइटीज हैं, और इनसे टार्जियर का इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग ओलिगोसीन, एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का भी यहाँ पर इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग द ओलिगोसीन पीरियड। यहाँ पर हमको जो एंसेस्टर या एक्सटिंक्ट स्पीशीज दिखाई देती हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज की ड्यूरिंग द ओलिगोसीन, एंड देन द एंसेस्टर्स ऑफ अदर मंकीज एंड एप्स एंड ह्यूमन मतलब ये मिलते हैं हमको मायोसीन इपॉक के दौरान। तो यहाँ पर हम डिफरेंट कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ ड्यूरिंग डिफरेंट इपॉक्स ये देख सकते हैं, और यहाँ पर टार्जियस क्योंकि ओलिगोसीन इपॉक के समय ही अराउंड 35 मिलियन ईयर से वो ये इवॉल्व कर गए थे, और इसीलिए टार्जियस को हम लिविंग फॉसिल प्राइमेट भी कहते हैं। दैट इज व्हाई टार्जियस आर आल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल प्राइमेट बिकॉज दे इवॉल्व इन द डिस्टेंट पास्ट ड्यूरिंग ओलिगोसीन इपॉक 35 मिलियन ईयर से वो। तो आज जो प्रेजेंट में टार्जियस हैं वो इस ओलिगोसीन इपॉक में जो टार्जियस इवॉल्व किए थे, जो उनकी एंसेस्टर स्पीशीज थी उसमें मतलब बहुत कम चेंजेस आए या लगभग वैसे ही वो अभी तक उनमें
वही फीचर्स पाए जा रहे हैं जो ओल्डेस्ट स्पीशीज उनकी जो टारजन की थी उसमें थे, और इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल प्राइमेट कहा जाता है। लेमूर्स एंड लॉरिसेस जो कि मायोसीन एपोक में इवॉल्व किए थे, तो इस तरह हम डिफरेंट प्रोसीमियस, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स के इवोल्यूशन डिफरेंट इपॉक्स में कब कब हुए ये देख सकते हैं। नाउ कम टू ओलिगोसीन फॉसिल प्राइमेट्स, इजिप्टोपिथिकस, प्रोप्लायोपिथिकस एंड पैरापिथिकस। अब पैरापिथिकस को सबसे पहले देख लेते हैं। पैरापिथिकस इसमें ओल्डेस्ट स्पीशीज है। इट इज एंसेस्टर ऑफ प्रोप्लायोपिथिकस, जो नेक्स्ट स्पीशीज प्रोप्लायोपिथिकस के एंसेस्टर्स माने जाते हैं पैरापिथिकस। और ये फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में पाए गए थे सबसे पहले साउथ वेस्ट ऑफ काहिरा, जो कि इजिप्ट की राजधानी है काहिरो, उसमें ये काहिरा जिसको कहते हैं हिंदी में, वहां पर सबसे पहले फेम डिपॉजिट्स में पाए गए पैरापिथिकस। और इनका जो टाइम स्पैन है वो है 23 मिलियन ईयर्स अगो टू 35 मिलियन ईयर्स अगो, मींस ओलिगोसीन इपोक जब स्टार्ट होता है 35 MYA से लेके 23 मिलियन ईयर्स अगो तक ये रहते हैं। ओलिगोसीन इपोक में इनका इवोल्यूशन होता है। एंड द फॉसिल रिमेन्स व्हिच आर फाउंड एट दिस साइट फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट, लोअर जॉ और कुछ टीथ्स मिलते हैं जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये स्पीशीज कैसी रही होगी। और इसमें पता चलता है कि ये सर्कोपिथिकॉइड के इनके करेक्टर में, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के इनमें ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, डाउटफुल सर्कोपिथिकॉइड है, वेरी स्मॉल इन साइज दैट ऑफ लिटिल स्क्विरल मंकी, मीन्स जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनके जैसा ही कुछ ये साइज में होते हैं। यहाँ पर तो पैरापिथिकस के नहीं है, ये इजिप्टोपिथिकस के फीचर्स हैं, पर कुछ लगभग छोटे मंकी की तरह दिखाई देते थे। और शेप ऑफ जॉ इज मोर और लेस लाइक दैट ऑफ टार्जियन, टॉर्जियर की तरह इनके जा के शेप थे। अर्लीस्ट या मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल कैटराइन मंकी, ये अर्लीस्ट ये कैटराइन मंकी कहे जा सकते हैं। और इनमें जो है बहुत प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, और दे हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ टॉर्जियर्स एंड एंथ्रोपॉयड्स। तो टार्जियर जो कि प्रोसीमियंस में आते हैं एंड हैप्लोराइनिक ग्रुप एंथ्रोपॉड्स के साथ भी रखा जाता है उनको, उनके फीचर्स इनमें थे, और कुछ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज के भी इनमें फीचर्स थे, इसलिए इनको अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव कैटराइन मंकी माना जाता है। इनके जो डेंटल फार्मूला है वो बाकी फॉसिल से डिफर करता है, क्योंकि इनमें जो डेंटल फार्मूला प्रोसीमियंस से मिलता जुलता है 2133, और लेकिन नीचे के जा में एक इंसीजर, जो दो इंसीजर्स हैं वो यहाँ पर मिसिंग है 0133, जो मतलब हमको जो जॉ मिली लोअर जॉ और कुछ टीथ्स मिले उसके आधार पर पता चला कि जो लोअर जॉ थी उसमें दो इंसिजर्स मिसिंग थे, लेकिन जो डेंटल फॉर्मूला है उसमें हमको एक चीज जो प्रोसीमियन से सिमिलरिटी मिलती है कि 3 प्रीमोलर्स हैं, जबकि जो ह्यूमंस एंड एप्स में 2123 फॉर्मूला होता है जिसमें कि दो प्रीमोलर्स होते हैं, तीन मोलर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर मोलर्स एंड प्रीमोलर्स दोनों ही तीन तीन हैं। तो ये कुछ प्रोसीमियंस और न्यू वर्ल्ड मंकी से मिलता जुलता यहाँ पर कुछ डेंटल फॉर्मूला है, ओनली अब लोअर जॉ में यहाँ पर दो इंसिजर्स मिसिंग है, ठीक है। तो दो दे हैड रीच्ड मंकी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके जो प्रीमोलर्स थे वो प्रोसीमियन एंड न्यू वर्ल्ड मंकी से मिलते थे। मजल रिड्यूस्ड है, शॉर्ट फेस है, एक्सपेंडेड ब्रेन है। तो ये कुछ फीचर्स हैं पैरापिथिकस के। देन प्रोप्लायोपिथिकस में आते हैं, जो कि एंसेस्टर ऑफ गिबन एंड प्लायोपिथिकस माने जाते हैं। प्लायोपिथिकस ये मायोसीन एप था, ठीक है, और गिबन और के भी एंसेस्टर ये प्रोप्लायोपिथिकस माने जाते हैं, जो कि लेसर एप में आते हैं गिबन्स। और फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट मीन सेम जगह पर ही ये भी पाए गए, मीन्स इनकी भी जो डिस्कवरी है फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में ही हुई। एंड टाइम पीरियड 28 टू 30 मिलियन ईयर्स है वो ओलिगोसीन इपोक में। फॉसिल रिमेन्स इनकम्प्लीट लोअर जॉ एंड सम टीथ, एंड जो इनके फीचर्स हैं अर्ली कैटराइन स्टॉक एंसेस्टर्स ऑफ एप्स एंड मैन एंड हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड होमिनोइड्स। तो होमिनोइड्स में जिसमें कि एप्स आते हैं और जो एप्स एंड ह्यूमन, और ये जी जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे उनके भी इसमें करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो जो लेसर एप्स कह सकते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के प्रोप्लायोपिथिकस में पाए गए डेंटली एप लाइक फार्मूला है 2123 फार्मूला है, ठीक है। तो प्रोप्लायोपिथिकस जो कि एंसेस्टर ऑफ गिबन एंड प्लायोपिथिकस माने जाते हैं, ये भी सेम
फेम डिपॉजिट्स ऑफ इजिप्ट में ही इनकी खोज हुई, और उसके पहले पैरापिथिकस थे जो कि प्रोपलापिथिकस के ही एंसेस्टर माने जाते हैं। उसी समय ओलिगोसीन इपॉक में 28 से 30 महीने से वो ये इनका ओरिजिन हुआ, और ये भी कुछ इनकम्प्लीट जो है लोअर जाइल सबटीज से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें ओरल मंकीज और जो एप्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पाए जाते हैं। इनका डेंटल फॉर्मूला एप लाइक है, दैट इज 2-1-2-3 फॉर्मूला, जो कि ह्यूमन में भी पाया जाता है। देन इजिप्टोपिथिकस आते हैं, बेस्ट नोन ओलिगोसीन एंथ्रोपॉयड, एंड दीज आर सपोज टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ प्रोकॉन्सल एंड ट्रायोपिथिकस, जो कि हम अभी मायोसीन एप में पढ़ेंगे, उनके ये एंसेस्टर माने जाते हैं। इजिप्टोपिथिकस ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी लाइक इनका जो शेप एंड साइज था, और इनमें भी वही फीचर पाए जाते हैं जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के होते हैं और कुछ लेसर एप्स के होते हैं। तो दे पॉजेस अ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लोअर एंड हाई प्राइमेट्स, एंड दे हैव लॉन्ग स्नाउट, स्मॉल ब्रेन केस, जो कि प्रिमिटिव फीचर्स हैं जो कि प्रोसीमियंस में हमको मिलते हैं, वो कुछ फीचर्स भी पाए जा रहे थे। लेकिन ए फ्लाइट डेंटेशन जो 2-1-2-3 फार्मूला है वो भी मिलता है। जॉ स्ट्रक्चर डेंटेशन के आधार पर हम देख सकते हैं आई सॉकेट्स एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो मेल एंड फीमेल की साइज में यहाँ पर अंतर है। इजिप्टोपिथिकस में ये फ्रुगिवोरस होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहा करते हैं, एंड क्वाड्रुपेड क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग एंड लीपिंग जॉइंट में मूवमेंट होता है, जैसा कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में और दूसरे एप्स में हमको पाया जाता है। लोकोमोटरी जो बिहेवियर होता है वही सेम यहाँ पर इजिप्टोपिथिकस में भी मिलता है। तो लगभग ये तीनों जो स्पीशीज हैं इनमें जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स के फीचर्स पाए जाते हैं, और क्योंकि ये मंकी लाइक इनमें फीचर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इनको मंकी ग्रेड फॉसिल्स में रखा जाता है। तो जितने भी ओलिगोसीन फॉसिल प्राइमेट्स हैं वो मंकी ग्रेड फॉसिल्स हैं, और मायोसीन जो प्राइमेट्स हैं जिसमें प्रोकॉन्सल, ट्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, सिवापिथिकस आते हैं, वो एप ग्रेड फॉसिल्स कहे जाते हैं। लेकिन जो ओलिगोसीन फॉसिल प्राइमेट्स हैं जिसमें कि इजिप्टोपिथिकस, प्रोपलापिथिकस, पैरापिथिकस आते हैं, ये मंकी ग्रेट फॉसिल्स कहे जाते हैं, क्योंकि दे हैव मोर सिमिलैरिटी ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज, मींस में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं मंकीज से, तो इसलिए इनको मंकी ग्रेट फॉसिल्स में रखा जाता है। उनके जो शेप एंड साइज होते हैं, उनके जो डेंटिशंस होते हैं, वो सारा कुछ बिलोंग करता है मंकी से, ठीक है। स्पेशली जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, और जो अर्लीस्ट वेराइटी इनकी टार्जियर और न्यू वर्ल्ड मंकीज से भी मिलती है, जिसमें कि पैरापिथिकस आते हैं। अब जो अर्लीस्ट जो ओलिगोसीन फॉसिल प्राइमेट है वो ओलिगोपिथिकस था, जो कि 30 से 35 मिलियन ईयर से वो इवॉल्व किया था। इट वॉज ही वॉज वेरी सिमिलर स्मॉल एंड हैविंग डेंटल फॉर्मूला सेम एज कैटेराइंस, तो कैटेराइंस में 2-1-2-3 फॉर्मूला होता है, ऐसा ही इनमें भी मंकी इनमें ओलिगोपिथिकस में भी था। ओनली हमको पैरापिथिकस में 2-1-3-3 फॉर्मूला मिलता है, जिसमें कि लोअर जाह में एक दो इंसिजर्स एब्सेंट पाए जाते हैं।